जी नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी ही अपनी चैनल लैफ ऑफ आर्ट में। दोस्तों थंबनेल से ही आप सभी को पता चल गया होगा कि आज मैं एक ऊंट पे कड़ी यानी के कठफोड़वा की ड्राइंग बनाने वाला हूं। रदर यू कैन से इट एज अ वाटर कलर पेंटिंग। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये काफ़ी डिटेल्ड वे में समझाया है मैंने, अंत तक ज़रूर देखना। और अगर पसंद आए ना, एक छोटा सा लाइक और अपना छोटा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ देना। आपके कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मुझे मिलता रहता है दोस्तों, और मुझे पता है कि आप मुझे मोटिवेट करने का एक भी मौका नहीं गंवाने वाले। तो खैर अभी एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। पेंटिंग डिफरेंट हो सकता है दोस्तों, और मीडियम भी डिफरेंट हो सकता है, पर इन सभी में एक चीज़ काफ़ी कॉमन है, वो है लेयर्स का इस्तेमाल करना। मल्टीपल लेयर्स को आपको बहुत ही बारीकी से यूज़ करना है, और जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, ये गुण आप में आता जाएगा। तो बहुत प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, एक ही बार में एक ही लेयर में आप कुछ भी अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाओगे। ये ना अपने जहन में बिठा लो दोस्तों कि मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ओके, दोस्तों जब बहुत रश रहता है या फिर वेदर बहुत ही डैम्प होता है ना, तब मैं ये हेयर ड्रायर से अपना पेंटिंग जो है वो ड्राई कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज का ये जो पेंटिंग था, ये अभी लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। आप सभी से ना दोस्तों एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगा कि ये जो वुडपेकर अभी मैंने पेंटिंग की, ये नर है या फिर मादा? देखता हूँ दोस्तों आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं। खैर मेरे हिसाब से तो ये पेंटिंग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अगर सच्ची में है ना, छोटा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ देना। तो मिलता हूँ ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग सा पेंटिंग या फिर ड्राइंग रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना और कीप प्रैक्टिसिंग दोस्तों।